नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, वैसे तो सेप्टिक टैंक हर घर में बनाए जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन बावजूद इसके अगर सेप्टिक टैंक बनवाने में कोई नया मिस्त्री गलती करता है दोस्तों, तो मिस्त्री को तो छोड़िए, मिस्त्री तो काम करके निकल जाता है, लेकिन घर मालिक को दोस्तों पूरे ज़िंदगी परेशान होना पड़ता है। क्योंकि सेप्टिक टैंक एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि एक बार आपने बनवा लिया तो उसके रिपेयरिंग में खर्च तो छोड़िए दोस्तों, उसको मरम्मत करने के लिए आदमी खोजना भी मुश्किल होता है। यही कारण है दोस्तों कि इसमें गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेप्टिक टैंक कितना मोटा ढालना चाहिए, सेप्टिक टैंक में कितने mm का सरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों सेप्टिक टैंक में बीम किन को देना पड़ता है, साथ ही साथ दोस्तों हिडन बीम किन को देना पड़ता है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों वो कितना ग्रेड का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कवर ब्लॉक वगैरह अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी लेकर के जाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शटरिंग हमारा होता है दोस्तों, और साथ ही साथ जो हम उस पर सरिया बांधते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं दोस्तों, दोनों के बीच में 20 mm का गैप होना चाहिए, मतलब कि कवर ब्लॉक आपको 20 mm का इस्तेमाल करना ढलाई से पहले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरकार इसमें कवर ब्लॉक देना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, चूँकि आपको पता है एक तो सेप्टिक टैंक के अंदर रहने वाला है पानी, जो कि लोहे के लिए बहुत ही दोस्तों दुश्मन से कम नहीं है, और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि जो हमारा गैस इमिट होता है दोस्तों, जो गैस निकलता है वो भी हमारे सरिया के लिए सही नहीं है, तो इसलिए आपको 20 mm का जो कवर ब्लॉक है वो तो इस्तेमाल करना ही है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि OPC सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए। OPC सीमेंट मैं इसलिए दोस्तों सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे नाला वगैरह बनाना हो आपको जहाँ पे पानी वगैरह रहता है, तो वैसे जगह में दोस्तों OPC सीमेंट का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी कारगर होता है और वो दोस्तों काफ़ी सही रहता है। तो OPC सीमेंट हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा आपको सेप्टिक टैंक अगर बनवाना है तो। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि सरिया की मोटाई की बात कर लेते हैं, तो 10 mm का जो सरिया होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार दोनों ही दोस्तों 10 mm का दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हल्का फुल्का उस पर लोड भी पड़ना होगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बीच में बीम देना या फिर हिडन बीम देना ज़रूरी है क्या? नहीं दोस्तों, नॉर्मली अगर आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी हिडन बीम या फिर बीम देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी है, जैसे 5-6 फीट का अगर दोस्तों मैक्सिमम रहता है 7 फीट तक, ठीक है, 7 फीट तक अगर है तो वहाँ पर हिडन बीम वगैरह दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है दोस्तों स्पैन आपका, तो वहाँ पर एक हिडन बीम आप दिलवा सकते हैं, या फिर जो भी साइट इंचार्ज है, मिस्त्री है, उनसे आप डिस्कस भी एक बार कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी कंक्रीट होगा वो M20 ग्रेड से बना हुआ होना चाहिए। M20 ग्रेड का कहने का मतलब है दोस्तों, एक बकेट अगर हम सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1.5 बकेट आपको बालू और 3 बकेट आपका जो है वो गिट्टी उसमें डालना है, वो होता है M20 ग्रेड। तो M20 ग्रेड से ही ढलाई करवाना है। अगर एक सरिया से दूसरे सरिया की अगर दूरी की बात कर लेते हो दोस्तों, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम कहते हैं, तो वो दोस्तों 5 इंच आपको रखवाना है स्लैब के केस में, चूँकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर कुछ हम लोड भी डालते हैं, तो इसलिए इसका मजबूत होना भी आवश्यक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरकार स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों सेप्टिक टैंक के केस में ये मोटाई जो है वो 5 इंच रखना काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि ये जो सेप्टिक टैंक है कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे पार्किंग में होता है, तो उस पर लोड कभी ना कभी आना ही है दोस्तों, इसलिए 5 इंच स्लैब का थिकनेस आपको रखवाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 4-5-6 जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है, अगर सभी को ध्यानपूर्वक दोस्तों लागू करते हैं तो आप बहुत ही सही तरीके का सेप्टिक टैंक का